मैचबॉक्स ट्रक वाला। रामपुर नाम का एक गांव था जहां पर बंसी नाम का एक रिटायर साइंटिस्ट रहता था। रिटायर होने के बाद भी वो अपने घर में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था। एक दिन, क्या जी, दिन भर अपने लैब में घुसे रहते हो, कभी तो बाहर आओ। तुम्हारे रिटायर होने के बाद सोचा था कि अब मुझे टाइम दोगे, इससे अच्छा तो आप इन मशीनों से शादी कर लेते। बस कुछ दिन और मेरी कमला, फिर तो टाइम ही टाइम दूंगा। और ये मरे हुए चूहे जैसा बदबू आ रहा है आपके शरीर से, अरे कम से कम नहा तो लिया करो। फिर कमला वहाँ से भाग जाती है और बंसी अपने काम में लग जाता। कुछ दिन में उसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। वो दौड़ता हुआ घर के आंगन में आता है। कमला, ओ कमला, देखो देखो मैंने क्या बनाया है। ऐसा क्या बना लिया जो इतना बंदर की तरह उछल रहे हो, जमीन पर आ जाओ पतिदेव। अरे देखो तो सही, और अपने हाथ में मैच बॉक्स ट्रक दिखाता है। उस ट्रक को देख कमला जोरों से हंसती है। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अब बात तो ऐसे कर रहे थे जैसे कोई रॉकेट बनाया हो, और बनाया भी तो मैच बॉक्स का खिलौना। अरे शेख चिल्ली की मौसी, पूरी बात सुनती नहीं और गधी की तरह ढेंचू ढेंचू करना शुरू कर देती हो। सुनो जी, कह देती हूँ, आगे से कभी गधा बोला तो मैं के चली जाऊंगी। हाँ बस कहती है, कभी चली भी जाया कर चुड़ैल। अब बको, क्या ऐसा बनाया है जो इतना उछल रहे हो। अरे ये कोई ऐसा वैसा मैच बॉक्स ट्रक नहीं है, ये देखो इस रिमोट से हम इसको जितना साइज चाहिए उतना बड़ा छोटा कर सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे फीचर हैं। ऐसा बोल उसको पूरा फीचर बता देता है। वाह जी, पहली बार कोई ढंग का चीज बनाया है। अरे ओ छचुंदर से चकल की, तो 30 सालों से तेरे बाप के यहाँ नौकरी कर रहा था। हाँ, फिर वही बात। माफ कर दो भाग्यवान, जाओ थोड़ा पानी गर्म कर दो, आज तो रगड़ रगड़ के नहाऊंगा। जल्दी नहा लो, नहीं तो पूरा मोहल्ला तुम्हारे बदबू से मर जाएगा। फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरे दिन, चलो आज गांव के लोगों से मिल के आता हूँ, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। ऐसा बोल के बंसी एक चाय के ठेले पे जाकर रुकता है। अरे रमेश, एक चाय देना तो। बंसी काका, सुना है आपने एक मैचबॉक्स ट्रक बनाया है जो जैसा चाहे आकार ले लेता है और उसमें बहुत सारा फीचर है। हाँ बनाया हूँ, लेकिन ये तुमको कैसे पता चला? आज सुबह सुबह मेरी बीवी बता रही थी, लगता है उसको काकी ने बताया होगा। इन औरतों के पेट में कुछ नहीं पचता, हर बात बताने लायक नहीं होती है। लेकिन मैचबॉक्स ट्रक ही क्यों? अरे इसका बहुत फायदा है, एक तो कहीं आ जा सकते हैं, सामान लाना ले जाना कर सकते हैं। काका क्या आप उस ट्रक को दिखा सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। और बंसी अपनी जेब से मैच बॉक्स ट्रक निकाल कर नीचे रखता है, और जैसे बटन दबाता है वो बहुत बड़ा ट्रक में बदल जाता है। ये देख वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये सभी बातों को बगल में बैठा पोषण नाम का आदमी सुनते रहता है। वाह काका क्या चीज बनाया है, अब ट्रक मेरा हो जाएगा, तुमने बड़ी गलती कर दी यहाँ सब कुछ बता के। ऐसा सोच वो वहां से चला जाता है, और उसी रात वो बंसी के घर में जाता है और वो ट्रक लेकर भाग जाता है। और सुबह होते ही उस ट्रक को बड़ा करके गांव से बाहर चला जाता है। और इधर कमला ट्रक ना पाकर बंसी को बोलती है, सुनो जी, ये क्या हो गया, देखो तो जरा, हमारा मैच बॉक्स ट्रक और रिमोट कोई चुरा के ले गया। अरे तुम रोना बंद करो, कोई भी मेरा ट्रक इतनी आसानी से चुरा नहीं सकता, मैं ऐसे ही साइंटिस्ट थोड़ी ही हूँ। फिर वो अपने टीवी में जीपीएस के जरिए कमला को दिखाता है, वो देखो वो जा रहा है हमारा ट्रक, मैं अभी लाता हूँ उसे। फिर बंसी दूसरा रिमोट निकालता है और उस मैच बॉक्स ट्रक को ऑपरेट करना चालू करता है, और इधर मैच बॉक्स ट्रक इधर उधर होने लगता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये ट्रक मेरे कंट्रोल से कैसे बाहर हो रहा है? अरे 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 ये बूढ़ा कैसा ट्रक बनाया है,
ऊपर से ये साला रिमोट भी काम नहीं कर रहा। फिर धीरे धीरे वो ट्रक बंसी के घर चला आता है और बंसी के घर के पास रुकता है। पोषण अंदर छुपा रहता है। ए तुम जो भी हो बाहर निकलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पोषण बाहर नहीं निकलता है। अच्छा तू ऐसे बाहर नहीं निकलेगा? फिर एक बटन दबाता है और ट्रक का दरवाजा खुलता है और पोषण को ट्रक बाहर फेंकता है। अरे पोषण तू है जो मेरा ट्रक चुराया था। फिर बंसी आसपास के लोगों को बुलाकर पोषण का अच्छे से पिटाई करवाता है। रुको रुको बस हो गया, मिल गया इसको इसका सबक। सुन पोषण, अब से कभी चोरी मत करना, नहीं तो अब ऐसा सजा मिलेगा कि तुम जन्मों तक याद रखोगे। अब जाओ यहाँ से। फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं।